Hi guys, welcome to my channel Me Daily and my name is Kirti. Today I am making a video on most requested topic GIC. तो बेसिकली आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग GIC. GIC क्या होती है, क्या क्या हमारे पास बैंक ऑप्शंस हैं, हमने यू नो क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, प्लस मैंने अपनी GIC किस बैंक अकाउंट में ओपन कराई है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर माई कंटेंट एंड जस्ट शो योर सपोर्ट एंड लव. लेट्स बिगिन. GIC गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. सो बेसिकली ये कैनेडियन गवर्नमेंट का रूल है कि जब भी कोई बच्चा बाहर से पढ़ने आता है तो आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो कैनेडा बैंक में डिपॉजिट कराने होते हैं, जो कि कैनेडा गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी बट आप ही को देगी इन इंस्टॉलमेंट्स. सो बेसिकली ये इसलिए रूल बनाया गया है ताकि आपका जो फर्स्ट ईयर है इन कैनेडा वो थोड़ा सा कंफर्टेबली निकल सके. लाइक यू नो अगर आपके पास जॉब नहीं लगती है, पार्ट टाइम जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो यू हैव दैट मनी इन योर हैंड जिससे आप अपना रेंट वगैरह पे ऑफ कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू दी ऑप्शंस. तो बेसिकली मोस्ट कॉमन ऑप्शंस हमारे पास CIBC एंड स्कॉशिया रहती है, बट बहुत से एजेंट्स आपको थर्ड ऑप्शन भी रिकमेंड बताते हैं, दैट इज़ ICICI बैंक. नाउ ICICI बैंक अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ दी टॉप बैंक्स, प्राइवेट बैंक. बट इफ़ मैं कैनेडा की बात करूँ तो गाइज टू बी ऑनेस्ट इट्स नो फ्रॉम माई साइड. ICICI बैंक के अंदर अपनी GIC अकाउंट मत खुलवाना. उसका सबसे बड़ा रीज़न इनकी है कि वहाँ पर बहुत कम ब्रांचेज हैं. थोड़ी सी ब्रांचेज अंटारियो में, थोड़ी सी ब्रांचेज आपकी ब्रिटिश कोलंबिया में है. रीजनल एरिया में देयर इज़ नो ब्रांच. तो अगेन आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो या ICICI बैंक इज़ बिग नो फ्रॉम माई साइड. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन बैंक CIBC एंड स्कॉशिया. तो दोनों ही बैंक्स बहुत कॉमन हैं, फुली ट्रस्टेड हैं एंड यस इन्हीं दोनों में से किसी में अपनी GIC डिपॉजिट कराना. अब मैंने किसमें कराई और दोनों के अलग अलग क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अप विद द प्रोसेसिंग फ़ी. तो जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो स्कॉशिया बैंक में थोड़ी ज़्यादा है. मतलब ज़्यादा क्या, स्कॉशिया बैंक में है, CIBC में तो है ही नहीं. तो स्कॉशिया बैंक के अंदर हमारे लगते हैं 200 कैनेडियन डॉलर्स, जबकि CIBC में लगती हैं 0 कैनेडियन डॉलर्स. बट एट द सेम टाइम जो एक्सचेंज रेट है वो स्कॉशिया का कम है और CIBC का ज़्यादा है. तो कुल मिलाकर तुम लगा लो स्कॉशिया बैंक में तुम्हारे 4,000 से 5,000 ज़्यादा लगते हैं. ठीक है, वर्किंग डेज कितने लग जाते हैं GIC सर्टिफिकेट आने में? तो आपके स्कॉशिया बैंक के लगते हैं 6 to 7 वर्किंग डेज. वर्किंग डेज मतलब सैटरडे संडे इज नॉट इंक्लूडेड. और आपके CIBC में लगते हैं 3 to 4 days. 3 to 4 days नहीं तो 2 से 3 दिन में भी बच्चों का आ जाता है. ठीक है, अब दोनों ही बैंक आपको जब आप अपना अकाउंट वहाँ जाकर कैनेडा में जाकर ओपन कराओगे तो दोनों ही आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स दे देंगे फर्स्ट मंथ के अंदर. उसके बाद दोनों का इंस्टॉलमेंट्स का तरीका थोड़ा अलग है. जो स्कॉशिया बैंक है वो आपको देता है 667 point something डॉलर्स एवरी मंथ. तो बेसिकली 12 months तक आपको 667 point something जो कैनेडियन डॉलर्स है वो आते हैं. बट CIBC का जो है साइकिल वो थोड़ा डिफरेंट है. CIBC आपको देता है हर एक 43 to 45 days के अंदर 1,000 कैनेडियन डॉलर्स. ठीक है, तो बेसिकली इसकी भी जो मनी है वो इस हिसाब से डिवाइड की गई है कि पूरा एक साल आपको पैसा आएगा, बट ये एक तरह से 1.5 month ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हो गया 45 days. तो ये डेढ़ महीने बाद आपको 1,000 कैनेडियन डॉलर्स देता है और ये हर महीने आपको 667 कैनेडियन डॉलर्स देता है. दोनों में पैसा आपके पास ही आने वाला है 10,000 डॉलर्स, बट डिफरेंट वे से. तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी फाइनेंस मैनेजमेंट में अच्छे हो और आपको यू नो इन बल्क मनी चाहिए, देन CIBC इज़ गुड. स्कॉशिया थोड़ा सा यू नो प्रॉपरली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देता है कि आप उस हिसाब से खर्चा करो. कमिंग ऑन टू द बेनिफिट्स, तो दोनों के बेनिफिट सिस्टम भी अलग हैं. अब स्कॉशिया के अंदर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके अंदर होते हैं कोई सीन क्रेडिट कार्ड. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो फॉर वॉचिंग फ्री मूवीज. ठीक है, एंड CIBC में आपके पास ऑप्शन होता है कैशबैक का. सो इसके अंदर ये होता है कि आप जब भी यू नो ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो आपको कोई ना कोई इस वक्त जैसे ऑफर है तो कुछ ना कुछ कैशबैक आ जाता है. नाउ कैशबैक डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा कैशबैक आने वाला है, यू नो 20-30 डॉलर्स, कुछ डॉलर लाइक यू नो 20 cents, $1 ऐसे कैशबैक आ जाता है. तो ऑफकोर्स इट नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैशबैक चाहिए अपने हाथ में या फिर आपको पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, एंड एक चीज़ जो
वन थिंग विच इज़ कॉमन इन बोथ द बैंक्स इज कि दोनों ही ईजिली एक्सेसिबल है, दोनों की बहुत सारी ब्रांचेज है ऑल ओवर द कैनेडा इन एवरी स्मॉल एरिया. सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर बोथ द बैंक्स. नाउ कमिंग ऑन टू कि मैंने किस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कराया है, बट बिफोर दैट प्लीज़ गाइज हिट ऑन द लाइक बटन. एंड अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 likes, तभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी फ्लाइट वाली. तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो. लाइक तुम करते ही नहीं हो तो इसलिए टारगेट दे रही हूँ, अब तो कर ही देना. ओके प्लीज़. नाउ कमिंग ऑन टू यार, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया है स्कॉशिया बैंक में. तो मैंने अपना अकाउंट स्कॉशिया बैंक में इसलिए खुलवाया है बेसिकली क्योंकि मैंने इंडिया में बैठे बैठे अपने कुछ फ्रेंड से बात करी जो बाहर रहते हैं, प्लस मेरे भाई ने भी स्कॉशिया में ही बैंक अकाउंट ओपन करवाया था जब वो कनाडा गया था. तो उसकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उसको कोई इश्यू नहीं आया. एंड ये नहीं कहूँगी कि CIBC में लोग बच्चों को इश्यू आया, एट द सेम टाइम जिन्होंने CIBC रिकमेंड किया उनको भी कोई इश्यू नहीं आया, बट थोड़ी सी जो प्रेफरेंसेज हैं जो मैंने देखा स्टूडेंट्स के बीच में वो स्कॉशिया बैंक को लेकर ज़्यादा थी. तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा स्कॉशिया बैंक को ही ऑन द अपर साइड रखा. सेकेंडली माई रीज़न वॉज कि मैंने सोचा यार देखो अब वहाँ जाकर, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि यू नो वी आर गोइंग टू सेव एवरी पेनी टू पे ऑफ आवर सेकेंड ईयर ट्यूशन फी, ठीक है, और इसके अंदर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मैं अपना इन्जॉयमेंट वगैरह मारूँ, बट अगर मेरे पास पॉइंट्स वगैरह होंगे और मुझे फ्री देखने को मिलेगा तो मैं जाऊँगी, राइट. तो मैंने इसी चीज़ को सोचा कि ठीक है यार एक दो यू नो कुछ सेंस वगैरह कैशबैक आए, उससे अच्छा है कि अगर पॉइंट्स वगैरह आ जाए और मुझे फ्री टिकट मिले तो भी वो यू नो कैशबैक के ही बराबर हो गए, क्योंकि अदरवाइज मूवी टिकट्स भी आप खरीदने ही जाओगे. तो मैंने थोड़ा सा यू नो सर्च वगैरह किया तो मुझे लगा कि यार कैशबैक जो आ रहा है और जो उसका कैशबैक आने की फ्रिक्वेंसी है, जो अमाउंट है वो इतनी वैल्यूएबल, वो मतलब एवरी मनी इज़ वैल्यूएबल बट वो इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि जो यू नो पॉइंट्स है वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है बट उसकी वैल्यू उनसे ज़्यादा है. तो इसलिए मैंने स्कॉशिया बैंक चूज़ किया है. एंड यस प्रोसेसिंग फ़ी लगती है यार, मुझे पता मतलब थोड़ा सा सोचो कि 4-5 हज़ार CIBC ऑन यू नो स्लाइटली इट्स डाउन, बट ठीक है अगर आपको वहाँ जाकर कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है आई थिंक इट्स वर्थ इट. और सबसे बेस्ट बड़ी चीज़ जो आपको देखनी है वो आपको ये देखनी है कि जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ पे नियर बाय ब्रांच हो ही हो, क्योंकि यू नो जाते ही आपको बैंक अकाउंट अपने बैंक में विजिट करना है, कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो उन चीज़ों के लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा सो इट वुड बी वेरी हेक्टिक, ठीक है. तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि किस अकाउंट में खुलवाना है. CIBC चूज़ करो चाहे स्कॉशिया चूज़ करो, दैट्स योर डिसीजन, बट प्लीज़ कोई और थर्ड बैंक मत चूज़ करना, चाहे ICICI हो गया, एक दो और भी बैंक है रॉयल बैंक करके वगैरह, बट प्लीज़ उनको चूज़ मत करना, जस्ट गो विद दीज टू. एंड येस ऑल द बेस्ट अगेन आई एम सेइंग दिस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आप अपना वीज़ा फाइल करने वाले हो. एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका वीज़ा पक्का आएगा. एंड येस मेक श्योर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप एंड तक देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट टिप तो आपको देनी पड़ेगी कि जब भी आप अपना यू नो ये करवा रहे हो बैंक अकाउंट का काम, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपका नेम है वो वाला नेम, जो अब अमाउंट है ये वाली जो अमाउंट है ना वो आपके बैंक अकाउंट से जाती है, ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट से जाती है. तो जो नेम है वो आपके मेन जिस अकाउंट से आप मनी ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पे और आपके पासपोर्ट पे, दोनों पे सेम होना चाहिए. और यही चीज़ एड्रेस के लिए भी वैलिड होती है, नहीं तो यार थोड़ा सा रिजेक्शन आ सकता है और फिर आपके अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी और वो अमाउंट कट के आती है तो बड़ा दुख होगा. तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना. एंड नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो. अगली वीडियो वैसे तो फ्लाइट पे मैं बनाने वाली हूँ कि मैंने कौन सी फ्लाइट बुक कराई है, क्या चार्जेस चल रहे हैं एंड थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली है उसके बेसिस पे. बट यस अगर आपकी भी कोई सजेशन है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो एंड विल ट्राई टू डू माई बेस्ट. सो येस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट गो बिफोर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियो. थैंक यू सो मच, टेक केयर.